मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं इस कंस्ट्रक्टर को बनाने जा रही हूँ। ओ, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। वहाँ कौन चिल्ला रहा है? मैं अभी जाकर देखती हूँ कि मेरी बच्ची को क्या हुआ है। कितना स्वादिष्ट है। वहाँ क्या चल रहा है? मुझे तुरंत वहाँ जाकर मदद करनी चाहिए। मैं अभी आ रही हूँ। अलविदा आइसक्रीम, दौड़ो। मुझे अंधेरे में डांस करना पसंद है, लेकिन मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी है। मुझे करीब से जाकर देखने की जरूरत है। यह कौन है और क्या हुआ है? थिंग, मेरे पीछे आओ। मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने दो। जाओ, तुम सब खाना बनाओ। मुझे यह चाहिए, स्वादिष्ट पास्ता। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यह करूँगी। तो चलो शुरू हो जा। मैं सॉस पैन में पास्ता बनाने जा रही हूँ, केचप के साथ। क्लासिक पास्ता, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। मैं पानी का टेस्ट कैसे करूँगी? कहाँ है? और यहाँ यह है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। बर्तन में जाओ। मेरा मतलब है, तुम बर्तन पर चढ़ना नहीं चाहते? चलो, ज्यादा शरारत मत करो। मुझे ये जांचना होगा कि पानी गर्म है या नहीं। हाँ, तुम्हारी प्रतिक्रिया को देखते हुए लग रहा है कि पानी काफी गर्म है। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ और अधिक पास्ता डाल देती हूँ, यह स्वादिष्ट होगा। मेरा आटा कहाँ है? यहाँ, मैं इसे खोलूंगी। अच्छी, ओह, मैं आटे में ढकी हुई हूँ। कितनी अनारी हो तुम। कभी कभी ऐसा होता है। यह आटा मुझे सूट करेगा। मैं रंग बिरंगा पास्ता बनाऊंगी। मुझे आटा और अंडे की जरूरत होगी। मैं आटा गूंदूंगी अच्छे से, धीरे से। घर के बने पास्ता के लिए अद्भुत डो। हमें और क्या चाहिए? अब केवल इस आटे को टुकड़ों में काटना बचा है। और अब मेरे पास कुछ कूल बॉल्स हैं। हाँ, और अब मुझे डाई की भी जरूरत होगी। मेरे पास रंगीन पास्ता होगा। रेनबो पास्ता एक ऐसी चीज है जो बच्चे के लिए उपयुक्त है। और अब मैं इस बॉल से एक सॉसेज बनाने जा रही हूँ। ऐसा मजेदार हरा सॉसेज। मुझे सभी रंगों के सॉसेज रोल करने की जरूरत है। और अब मैं उन्हें जोड़ूंगी। मेरे पास एक बहुत सुंदर पास्ता है। हाँ, मेरा पास्ता तैयार है। मैं उन्हें सावधानी से एक प्लेट पर रखूंगी। हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ क्या है? मेरे चश्मे हुए धुंधले हो गए हैं, क्या करूं? तो यहाँ मुझे याद है मुझे क्या चाहिए था। यह सबसे स्वादिष्ट केचप है। दादी लाइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। आपका केचप बंद था। हाँ लीजिए, अब ले लीजिए। ओह धन्यवाद मदद के लिए। कुछ ऐसा जो बच्चे की भूख को संतुष्ट करेगा। ऐसा क्यों? कितने मजेदार। अरे दादी, ओह कितना भयानक, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तो क्यों, या किसने किया? लेकिन अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ और मैं अपने पास्ता पर सुरक्षित रूप से केचप डाल सकती हूँ। यह बेहतर है, एक बढ़िया डिश। मैं इस पास्ता को एक प्लेट पर रखूंगी, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ गायब है। थिंग, मेरे पास आओ। मुझे काला रंग चाहिए, इसे लाओ। जल्दी करो। हाँ, यह पेंट मेरे लिए सही रहेगा। अब मैं इस पास्ता को काले रंग में रंगूंगी, मेरा फेवरेट रंग। और केचप इन काले काले पास्ता के लिए बहुत उपयुक्त है। मैं सभी पास्ता पर इसे अच्छे से डालूंगी। हाँ, अच्छे से ढक दूंगी और उसके बाद यहाँ कुछ गमी आंखें डालूंगी। एकदम सही डिश, मैं अपने आप से खुश हूँ। ओह कितना घिनौना। मेरे पास सब कुछ तैयार है, आपका स्वागत है। एक बहुत ही अजीब डिश, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं इसे ट्राई करूंगी। गमी और पास्ता का एक बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन। यह बिल्कुल बेस्वाद है। तुम्हें स्वाद के बारे में कुछ पता नहीं। हाँ, और यह मुझे पसंद है, केचप के साथ क्लासिक पास्ता। हमें ट्राई करना चाहिए क्योंकि दादी बढ़िया खाना बनाती है। दादी आप सुपर हो, पास्ता कमाल का है। धन्यवाद मेरे बच्चे। शुक्रिया। वाह, यह क्या है? ये कुछ अविश्वसनीय पास्ता है। मैं उन्हें जरूर खाऊंगी। ये बहुत सुंदर है, पर इसका स्वाद कैसा है?
वाओ, ये सुपर मेगा यमी है। ये जीत गए। हुरे, मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। मैं जीत गई। ये ऐसा कैसे? मैं सारे पास्ता खाऊंगी, सब स्वादिष्ट। और अब मेरे पीने के लिए कुछ बनाओ, कुछ बहुत स्वादिष्ट। टास्क स्वीकार है। ओह बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास एक सुपर कूल मजेदार कॉकटेल बनाने के लिए सब कुछ है। मैं यहाँ कुछ मजेदार पाउडर डालने जा रही हूँ और अब मैं इसे गर्म करने जा रही हूँ। मेरे पास एक स्वादिष्ट रंगीन ग्लास होगा। हाँ, मैं थोड़ा इंतजार करूंगी। बस इतना ही। मेरे ड्रिंक का यह हिस्सा तैयार है। मैं अपनी जगह पर जल्दी से जा रही हूँ। बेशक स्कीटल्स के बिना कैसा मजा। ये सबसे मजेदार ट्रीट है। मैं यह ज्यादा से ज्यादा अपने शाही ग्लास में डालूंगी और अब मैं इसमें स्प्राइट भी डालूंगी। हाँ, इस तरह से। ओह, यह नहीं खुल रहा है। क्या करूँ, मैं इसे हिला देती हूँ। अरे नहीं, ये ठीक मेरे ऊपर गिरा। ओह, तुम भी ना। कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं सूख गई और अब मैं अपना भव्य ड्रिंक समाप्त कर सकती हूँ। हाँ, वैसे मेरे मन में यही था, हालांकि कुछ गायब है। हाँ, यहाँ क्रीम काम आएगी। यह क्रीम के साथ बहुत स्वादिष्ट होगी। और मैं थोड़ा स्प्रिंकल भी डालूंगी। और ज्यादा। हाँ, एक भव्य ड्रिंक। बेशक ये एक अद्भुत ड्रिंक है, लेकिन बहुत अजीब है। मैं सैलरी काट लेती हूँ, क्योंकि बच्चे को विटामिन की बहुत जरूरत होती है। सैलरी के साथ ड्रिंक बहुत स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होगा। मैं अपनी पोती को विटामिन से वंचित नहीं करना चाहती, इसलिए मैं एक ब्लेंडर में जूस बनाऊंगी और इस अद्भुत मग में एक अद्भुत सैलरी ड्रिंक डालूंगी। हाँ, बहुत बढ़िया ड्रिंक। देखो इस कप में। हाँ, थोड़ा और हरियाली। यह सुंदर और स्वादिष्ट दोनों होगा। दादी की ओर से एक हेल्दी कॉकटेल। हाँ, यह सबसे अच्छा है। बिल्कुल सही। क्या तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? मैं यह करूंगी। पहले मैं एक लाल मीठे डेकोरेशन के साथ ग्लास को डेकोरेट करूंगी और इसे आकर्षक बनाऊंगी। मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। बस ऐसे। अब मैं इसमें स्प्राइट डालूंगी। यह ट्रांसपेरेंट है तो इसमें हरा मिक्स करना आसान होगा। किंग, मुझे मेरी जरूरत की सामग्री लाकर दो। चलो आगे बढ़ो। ओह, यह थिंग कितना भयानक है। मैं उससे दूर रहूंगी। पता नहीं वह क्रीम के साथ कैसे सामना करेगा। धन्यवाद थिंग, क्रीम से कोई नुकसान नहीं होगा। यह बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब मैं इन आँखों को डालूंगी और अधिक। मैं इस कॉकटेल में और स्ट्रॉबेरी सिरप मिलाऊंगी। कितना मस्त ड्रिंक। बस इस ड्रिंक में एक स्ट्रॉ लगाना बचा है और सब कुछ तैयार है। इसे पीकर बताओ। ओह, कितना अच्छा। अरे ये कितना भयानक है। यह क्या है? हम इसे कैसे पी सकते हैं? यह भयानक लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। ओह, यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, यह ड्रिंक बहुत अच्छा है। इसका स्वाद उतना खराब नहीं है। अब मैं दूसरा चखूंगी। इसकी महक कैसी है। यह कुछ भयानक है। मैं तो इसे ट्राई भी नहीं करूंगी। और यह बहुत सुंदर है, ऐसे कप में। और एक मजेदार स्ट्रॉ और बहुत स्वादिष्ट ड्रिंक। हाँ, यही वह है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इस ग्लास को चाटूंगी। यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, मुझे यह पसंद आया। हाँ, इस ग्लास का तो जवाब नहीं, यह विनर है। हाँ, मैं जीत गई। मुझे देखो। तो मुझे लगता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। आसान। अब दादाजी रिचार्ज होंगे और सब कुछ करेंगे। कोई समस्या नहीं। आइसक्रीम का मतलब है, ऐसा लगता है कि मेरे पास सही केमिकल्स हैं। उन्हें मिलाते हैं और आइसक्रीम का एक अद्भुत स्कूप हमें मिलेगा। और यहाँ हुआ है। यह चॉकलेट इंजेक्शन का समय है।
बस हमें यही चाहिए। अच्छा अब थोड़ा सा स्प्रिंकल, बच्चों को यह पसंद है। मेरे पास यहाँ कुछ कैंडीज हैं, मैं उन्हें टूथपिक पर डालने जा रहा हूँ। बस इतना ही, अब यह ऐसे लगाना है। अब यह एक डीएनए चेन की तरह हो जाएगा। बढ़िया, मेरी पोती निश्चित रूप से अपने दादाजी की मेहनत की सराहना करेगी। सुंदर, वाह कूल। मुझे कुछ सोचना होगा, शायद मुझे गमी का उपयोग करना चाहिए। मैं इसे रंग के अनुसार छांटूंगी और अब हमें इसे इन अद्भुत सांचों के अंदर रखने की जरूरत है। बहुत बढ़िया, और स्टिक को नहीं भूल सकते हैं। और यहाँ सोडा है, पहले मैं कोला, दूसरे में फांटा और तीसरे में स्प्राइट। बहुत अच्छा, केट को ये जरूर पसंद आएगा। उन्हें फ्रीज करना बाकी है, मैं इसे फ्रीज में रख देती हूँ और थोड़ा इंतजार करूंगी। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे करना है। पहले मैं बलून फुलाऊंगी, ऐसे थोड़ा और। हाँ हमें ऐसा ही चाहिए। आप चॉकलेट में डुबोएं और तुरंत बर्फ के कटोरे में डालें। इसे जमने दें। लेकिन अभी मैं ब्राउनी और एक गोल सांचा लूंगी। चलो इसमें से एक अच्छा बिस्किट सर्कल बनाएं। अब यह ताजा बेरीज का समय है। अब मैं इसे थोड़ा सजाऊंगी और ऊपर आइसक्रीम का एक स्कूप। वाह, और यहाँ नट्स डालना भी कोई बुरा नहीं होगा, जैसा किसी रेस्टोरेंट में होता है। ऐसा लगता है कि चॉकलेट जम गई है। अब केवल इस सुई की मदद से बलून को सावधानी से हटाना ही बचा है। मैं इसे फोड़ देती हूँ और अब मैं अपने डिश के लिए इस चॉकलेट शेल का उपयोग कर सकती हूँ। वाह क्या खूबसूरती है। हालांकि किसी चीज की कमी है, मुझे चॉकलेट सिरप चाहिए। मैं इसे एक सॉस पैन में उबालूंगी और अब मैं इसे एक सुंदर बर्तन में डालूंगी। हाँ इस तरह से, इस खूबसूरत बर्तन में। बहुत सुंदर, हाँ इसे ही रेस्टोरेंट सर्विंग कहते हैं। यह सब कुछ अजीब है, मेरी आइसक्रीम जम गई है। तो केट तुम इसे खाने के लिए तैयार हो? वाह सब कितना खूबसूरत है। मैं स्टिक्स पर जो है उसके साथ शुरू करूंगी। स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ यह फैंटा है, मुझे सोडा पसंद है। वाह वह आइसक्रीम है, मैं इसे जल्दी से खाती हूँ। ये थोड़ा अजीब और रूखा है। और यह क्या है? ओह चक्कर देखती हूँ। वाह कैंडीज तो कमाल के हैं। वाह और आगे क्या होगा? ओह वाह यहाँ डेकोरेशन है। ऐसा लगता है कि सॉस को डोम पर डाला जाना चाहिए। वाह यह ब्राउनी आइसक्रीम के साथ पिघल रहा है। वाह अच्छा तो यहाँ आओ। कितना स्वादिष्ट, मुझे यह पसंद है। इस दौर में जीत शेफ की होती है। यह बहुत स्वादिष्ट है। इसमें तो कोई शक ही नहीं था, तुम्हें क्या लगा था लूजर्स। और अब मुझे एक कॉकटेल चाहिए, क्या आप इसे तैयार कर सकते हैं? और ठीक है मैं इसे संभाल सकती हूँ, मैं रीएजेंट्स को मिला सकता हूँ। आसान से भी आसान, मैं सब कुछ करूँगी। कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल, उन लकड़ी के स्टिक को चीनी में डुबो दे और अब मुझे उन्हें अपने रसायनों में डालने की जरूरत है। और अब मुझे चाहिए या अब इसे कोन में थोड़ा सा डालने की जरूरत है और प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बस अब मैं टाइमर सेट करूंगा और इस बीच मैं थोड़ा झपकी ले सकता हूँ। हाँ यह पक रहा है, लेकिन मुझे एक प्रोफेशनल ब्लेंडर चाहिए। इसे रखते हैं और अब यह बेरीज और सोडा के लिए समय है। स्प्राइट और स्ट्रॉबेरी, बढ़िया कॉम्बो। मैं ब्लेंडर में सब कुछ डालती हूँ
और इसे ऊपर से सोडा से भर देती हूँ। और अब मुझे वहाँ बर्फ जोड़ने की जरूरत है। मैं इसे पूरी तेजी पर चालू करती हूँ और अपनी स्मूदी तैयार करना शुरू करती हूँ। यह ग्लास अच्छा रहेगा। इसमें धीरे से स्मूदी डाला। पहली लेयर तैयार है। अब हमें अनानास स्प्राइट और बर्फ फिर से चाहिए। अब ब्लेंडर अपना काम करेगा। अब मैं ग्लास में दूसरी लेयर डाल सकती हूँ ऐसे। वाह। चलो अगली लेयर मैं ब्लूबेरी से बनाऊंगी। अब तीसरी लेयर डालना है। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बस अब ग्लास में इसे डालती हूँ। तीसरा लेयर। और अब मुझे इसे थोड़ा सजाने की जरूरत है। एक स्ट्रॉ और बेशक एक छाता। वाह। ओह यह क्या शोर हो रहा है। ओह ऐसा लगता है कि जागने का समय आ गया है। अच्छा हुआ जो तुम सोई नहीं। ओह ऐसा लगता है कि मेरे क्रिस्टल पहले से ही बन गए हैं। अरे हाँ यह वही है जो मुझे चाहिए। मैं इसे खुद खा लेता। ठीक है अब ड्रिंक तैयार करने का समय है। मैं इस ग्लास पर चीनी की क्रस्ट बनाऊंगा। यह एकदम सही निकला। अब मुझे स्प्राइट चाहिए। मैं इसे एक ग्लास में डालूंगा और अब मैं अपनी क्रिस्टल के साथ छड़ियों को ग्लास में डाल दूंगा। यह बहुत बढ़िया है। मुझे काम पर लगने की जरूरत है। मेरे पास एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है। मैं इसके अंदर स्किटल्स बिछा दूंगी और बर्फ। अरे हाँ मुझे यही चाहिए। और यहाँ गमीज है। कितना स्वादिष्ट। बहुत बढ़िया। वे अंदर बहुत अच्छे लगेंगे। और अब मैं इसे फांटा से भर दूंगी। बहुत अच्छा। सजावट के लिए कुछ छोटे छाते और बेशक एक बड़ी स्ट्रॉ। अरे हाँ मुझे मछली के साथ एक असली एक्वेरियम मिला है। जल्दी करो केट पीना शुरू करो। ओ वाह कितना अलग कॉकटेल है। वाह एक असली एक्वेरियम है। चलो इसे पहले पीते हैं। ओ मेरे मुंह में क्या है। हाँ ये गमी मछली है। मुझे ये पसंद है। अरे हाँ ये बहुत स्वादिष्ट है। कूल कॉकटेल। हाँ यह बहुत खूबसूरत है। मुझे यह आजमाना है। हाँ यह एक स्मूदी है। यह स्वादिष्ट है। एक मिनट रुको यह क्या है। कितना अजीब लेकिन दिलचस्प है। मैं ट्राई करती हूँ। वाह क्रिस्पी और स्वादिष्ट। और कॉकटेल कैसा है चेक कर देखती हूँ। यह कितना स्वादिष्ट है। यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा कॉकटेल और सबसे असामान्य है। और क्रिस्टल बहुत अच्छे हैं। हाँ दादाजी सबसे अच्छे हैं। बस मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं सबसे अच्छा हूँ। तो आशा है आपको चुनौती जरूर पसंद आई होगी। फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहें।